सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सिक्स क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20। ए बी रेखा पर बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाओ। तो वैसे तो इस कोण को बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 90 डिग्री कोण आपने बहुत पहले बनाए हैं, हमने लंब उठाए थे। फिर भी प्रश्न में है तो आपके सिलेबस में है तो मैं इसको बना देता हूँ। ये आपका ए पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम हमारा बी है और हम ए पर जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले हम प्रकार खोल के चाप लगा देंगे। इस तरह से जहां से हमने ए बी रेखा से चाप लगाई है इसका नाम हम दे देंगे पी। हमने क्या करना है, जितनी ए पी है इतनी प्रकार खोल के हमने ऊपर को एक चाप लगा देनी है। जहां ये चाप लग रही है इसका नाम हम दे देंगे डी और फिर डी पर प्रकार करके हम दूसरी चाप आगे लगाएंगे, इसका नाम हम दे देंगे आर। मैंने आपको पहले ही बताया है, नहीं तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो पहली चाप होती है ये होती है 60 डिग्री की और ये होती है 120 डिग्री की, तो आपने ध्यान रखना है। अब हमने क्या करना है, डी पर प्रकार करके हमने ऊपर को चाप लगा देनी है और फिर आर पॉइंट पर प्रकार करके इस चाप को हमने काट देना है इस तरह से। और जहाँ ये कट रही है ये पॉइंट आ गया आपका ई, हमने ई और ए को डार्क मिला देना है, ये आपका बना 90 डिग्री का कोण। इस तरह से ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसका नाम आप दे सकते हैं सी। अगला आपका है प्रश्न नंबर 21। ए बी रेखा पर बिंदु ए से 45 डिग्री का कोण प्रकार द्वारा बनाओ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ए बी रेखा लेनी है, कहा गया है ए बी रेखा पर, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये कह रहा है कि ए पॉइंट से, ए आपका है, ए हमारा यहाँ है, यहाँ से हमने 90 डिग्री पहले बनाएंगे 90 डिग्री का, फिर हम उसका आधा करेंगे 45 डिग्री का। इस तरह से हम चाप लगाएंगे, इस चाप का हम नाम दे देते हैं यहाँ पे पी। अब ए पी जितनी प्रकार खोल करके हमने ऊपर को एक चाप लगानी है। मैंने अभी आपको बताया था ये चाप हमारी होती है 60 डिग्री की, इसका नाम हम दे देते हैं आर और आर पॉइंट पर प्रकार खोल के हम आगे एक चाप लगाएंगे, इस चाप का नाम हम दे देंगे ई। ये चाप हमारी होती है 120 डिग्री की। अब आर पॉइंट पर प्रकार करके जैसे अभी हमने 90 डिग्री का बनाया था बस सेम वैसा ही हमने बनाना है। ई पॉइंट पर प्रकार रखो और इस जो आर से हमने चाप लगाई थी आर पॉइंट से, इस चाप को हम ऐसे काट देंगे इस तरह से और हम इसका नाम दे देते हैं ई। अब हमने अभी हमने जब 90 डिग्री का बनाया था तो हमने ई और ए को मिला करके डार्क मिलाया था, इसमें हम इसको डॉटेड मिलाए क्योंकि ये सहायक रेखा है। अंशर रेखा हमेशा डार्क होती है और सहायक रेखाएँ होती है वो हमेशा डॉटेड होती है। अब जहाँ पे ये इस चाप को यहाँ काटती लाइन, इसका नाम हम दे देते हैं एच। इसका नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने देखो हम यहाँ से प्रकार खोल के भी ऐसे चाप लगा सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आपने एच पर प्रकार खोल के यहाँ पे इस चाप को काट देना है ऐसे। एक तो आप इस तरह से बना सकते हैं जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, हमने पी से एच जितनी प्रकार खोल के चाप लगानी है इस तरह से, इस तरह से, और फिर आपने एच से पी जितनी प्रकार खोल के चाप लगा देनी है इस तरह से। मैंने दोनों चाप लगा दिए, ये यहाँ कट रही है और अब आपने क्या करना है, इनको मिला देना है, इसका नाम दिया हुआ है डी। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे बना सकते हैं। लाइन एक ही आई है आप देख सकते हैं, मैं अभी इनको मिला रहा हूँ लाइनों को,
ये देखिए यहाँ भी उतनी है, ये एक ही बात है, आप या तो इतनी पी से एच इतनी प्रकार खोलो या फिर जितनी पी ए है इतनी प्रकार खोल के भी आप बना सकते हैं। इस रेखा का नाम हम दे देते हैं सी, तो सी ए बी जो ये कौन बन रहा है ये आपका बना 45 डिग्री का, ये तो ये आपका प्रश्न नंबर 21 बन के तैयार हो गया।